हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कटारिया। तो भाई आज है हमारे साथ हुंडई एक्स्टर का SX CNG वेरिएंट। प्राइस की अगर मैं बात करूं 9,16,000 की आपको जो है एक्स शोरूम मिल जाती है, और अगर आप इसको पेट्रोल के अंदर लेना चाहते हैं तो वहां पे ये गाड़ी पड़ेगी 8,23,000 की आपको एक्स शोरूम मिल जाती है। तो मोटे मोटे तौर पर आपको भाई 96,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं CNG के अंदर। और CNG में यार आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, वो है पीस ऑफ माइंड, क्योंकि भाई CNG के अंदर कंपनी क्लेम कर रही है 27 किलोमीटर पर KG का माइलेज। सही सुना आपने भाई, 27 का माइलेज मिल जाता है CNG के अंदर, तो पीस ऑफ माइंड तो हो गई, क्योंकि आपको भाई सरदर्दी नहीं है कि भाई सोच के गाड़ी नहीं निकालनी पड़ेगी। आप भाई एकदम बेधड़क निकाल लोगे, क्योंकि ऐसी गर्मी के अंदर भाई गाड़ी की ही ज़रूरत पड़ रही है। AC के अंदर जाओ, 24 का भी माइलेज दे देगी ना गाड़ी, बेहतर है, क्योंकि भाई हीट से बचा रही है, सारे काम कर रही है, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी भाई एक्स्टर जिस सेगमेंट में आती है वो सेगमेंट जो है बूम कर रहा है, आपको पता ही पंच वाला सेगमेंट है ये गाड़ी, माइक्रो SUV ये गाड़ी रहने वाली है। तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छा खासा ये सेगमेंट है, हर कोई इसको लेना पसंद कर रहा है इस गाड़ी को। बाकी फ्रंट लुक से स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एच शेप के अंदर DRS मिल जाते हैं, इंडिकेटर अपना यहाँ पीछे की साइड रहने वाला है हेलोजन के अंदर, बाकी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं LED के अंदर, DRS तो ऊपर दे दी एच शेप के अंदर। वेंट्स यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी की एरोडायनामिक्स मुझे नहीं पता कैसी रहने वाली है। बाकी पियानो बैक फिनिशिंग आपको मिल जाती है, डुअल टोन बम्पर मिल जाता है, नीचे स्किड प्लेट मिल जाता है, और रफ लुक के लिए यहाँ पे पेच का डिज़ाइन दे रखा है, हालांकि ये कोई पेच नहीं है। तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे फ्रंट लुक मिल जाता है, 1710 mm की विड्थ, और व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ 2450 mm का मिल जाता है, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे व्हील बेस भी दिया गया है। तो ऑल ओवर एक्स्टर की लुक काफ़ी जो है यहाँ पे बढ़िया निकल के आती है, पंच की भी बढ़िया है और इसकी भी बढ़िया। बस इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ जो है थोड़ी सी खलती है, वो है भाई 15 इंच का टायर टॉप मॉडल के अंदर, जो कि भाई उसके अंदर तो 16 इंच का आता, मतलब कुछ चीज़ें इसकी बढ़िया, कुछ चीज़ें उसकी बढ़िया, जैसे इसमें 4 सिलेंडर इंजन है, उसका 3 सिलेंडर इंजन है, तो अपनी अपनी प्रायोरिटी है। बाकी साइड लुक की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आपको हाइपर स्टाइल रिम्स मिल जाते हैं, जिसका सेक्शन रहने वाला है 175/65R15, तो 15 इंच का आपको यहाँ पर टायर सेक्शन मिलने वाला है, JK का टायर दिया गया, क्लैडिंग अपना यहाँ पर रहने वाली है। बाकी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल्स आपको यहाँ पर मिरर्स मिल जाते हैं, A पिलर ब्लैकआउट, B पिलर ब्लैकआउट, और C पिलर भी आपको यहाँ पर ब्लैकआउट ही मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी सही है, मतलब इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, पंच के हिसाब से थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा कोई कम नहीं है। बट मैंने सुना है अगर इस गाड़ी के अंदर 5 जने बैठ जाते हैं, पीछे 3 जने बैठते हैं, तो भाई पूरी गाड़ी यहाँ तक बैठ जाती है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉबैक है इस गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये अपना रूफ रेस मिल जाती है, सनरूफ भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी रियर की तरफ आते हैं, तो रियर लुक इस गाड़ी का कुछ ये दिया गया, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे लुक मिल जाता है, ऐसा कोई बोरिंग डिज़ाइन नहीं है इस गाड़ी का, अच्छा खासा आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाता है। एच शेप के अंदर ही आपको यहाँ पे LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, क्योंकि DRS भी एच शेप के अंदर ही है, ठीक है। बाकी इंडिकेटर नया रिवर्स नया एक्स्टर की बैजिंग और बैक कैमरा हुंडई का लोगो, SX की बैजिंग, टॉप एंड वेरियंट है ये CNG का, और इससे नीचे एक और आता है S वेरियंट, तो वो भी आप ले सकते हो, करीबन 8,16,000 रुपये के शायद से वो CNG के अंदर पड़ता है, ठीक है। बाकी डुअल टोन आपको यहाँ पे बम्पर मिल जाता है। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो भाई CNG वेरिएंट के अंदर बूट स्पेस तो देखो नहीं मिलता है, वो थोड़ा ड्रॉबैक है, बट कहीं ना कहीं अगर आप इसका पेट्रोल वेरिएंट की बात करो तो वहाँ पे 391 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, और CNG के अंदर आपको कोई भी ऐसा कोई बूट स्पेस नहीं मिलता। CNG का टैंक अपना ये रहने वाला है जो 60 लीटर की कैपेसिटी रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपको 12 किलो का सिलेंडर मिल जाता है, प्रेशर के हिसाब से 7 से 8 किलो CNG इस गाड़ी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिलेंडर अपना ये 60 लीटर दे रखा है, स्पेयर व्हील अपना यहाँ पे नीचे दिया गया है, बाकी ये अपना स्टैंडर्ड आते हैं हुंडई से, तो भाई अपना जो है मैट्स भी आपको कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं, जो कि भाई ये रहने वाला है। बाकी इसे करते हैं बंद, ऊपर आपको ट्रिम मिल जाती है जिसके से कोई बड़ा एक्सपोज नहीं है, ठीक, इसे करते हैं बंद, और ये डिफॉगर भी आपको मिलता है, वाइपर आपको नहीं मिलने वाला, हाई रूफ स्टॉप लैम्प आपको दिया गया है। अब जो इसका मैं CNG का नोजल आपको दिखा देता हूँ कि भाई कहाँ की साइड आपको दिया गया है, तो इसे खोला और जो है यहाँ पर आपको भाई CNG का नोजल मिल जाता है, पेट्रोल कैपेसिटी अपना यहाँ पे 37 लीटर की रहने वाली है, और CNG का सिलेंडर अपना 60 लीटर का रहने वाला है, जो कि भाई ये रहने वाला है, और मैंने बता दी 12 किलो का है ये अपना, जो भी आप देख सकते हैं भाई क्या इसके अंदर आ जाएगी कैपेसिटी, मतलब गाड़ियों में कमी आती है ना।
रियर डोर की अगर मैं बात करूँ तो रियर डोर कुछ आपको ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक ट्रिम मिलने वाली है, तो थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा। ऐसा अगर सिल्वर दे देते ना, जैसे वहाँ डैशबोर्ड पे अगर यहाँ दे देते तो बढ़िया लगता। आफ्टर मार्केट करा लेना मेरे कहने से ये चीज़। बाकी पावर कंट्रोल्स, एलईडी स्पेस, स्पीकर ग्रिल, चार स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अंदर बैठता हूँ। लेग स्पेस काफ़ी बढ़िया है, थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है, हेडरूम तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब पन से तो बहुत ही बढ़िया है। बट कहीं ना कहीं जब ये गाड़ी बैठ जाती है तो थोड़ा सा वहाँ दिक्कत आती है। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस आपको मिल जाते हैं, और 3.0 सीट बैक मिडल पैसेंजर के लिए 3, और बाकी 3 क्लाइम हैंडल। डैशबोर्ड अपना यहाँ पे नहीं रहने वाला। रियर एसी वेंट्स आपको मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट आपको मिल जाता है। हम थोड़ा सा ज़्यादा दिए गए तो बीच वाले पैसेंजर की थोड़ी सी राइड अनकम्फर्टेबल हो सकती है। लेदर एट प्लस फैब्रिक सीट आपको मिल जाती है, क्योंकि 6 एयरबैग्स गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड आते हैं। बाकी सनरूफ आपको मिल जाती है, लैंप आपको मिल जाता है, और फ्रंट में भी आपको यहाँ पे लैंप मिल जाता है। तो ऑल ओवर कुछ लुक ये रहने वाला है। थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, गाड़ी रूम ही है बट कहीं ना कहीं ब्लैक ट्रिम की वजह से थोड़ा सा खल रहा है, थोड़ा सा ग्रे होना चाहिए था। कमीशन आप बताओ मेरी बात से सहमत हो या फिर नहीं। अब जो इस गाड़ी के फ्रंट डोर के बारे में बात कर लेते हैं, उससे पहले की के बारे में बता देता हूँ। तो की मिलती है आपको भाई ये वाली, ठीक है। एक आपको बेसिक की, एक अपना जो है यहाँ पे फ्लिप की मिल जाती है, जिसमें लॉक अनलॉक और फॉलो में हेडलैम्प करनी है, बूट ओपन का बटन मिल जाता है यहाँ पे। तो अपना फ्लिप की यहाँ पे दी गई है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी जो है भाई डुअल टोन ट्रिम आपको यहाँ पे नहीं मिलती। चापा में कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, इलेक्ट्रिकल जैसे फोल्डर मिरर्स, ब्लैक कलर के अंदर ग्रे कलर के अंदर आपको डोर हैंडल मिल जाता है, लॉक अनलॉक, एलईडी स्पेस, स्पीकर ग्रिल, चार स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी हाइट एडजस्टेबल सीट आपको यहाँ पे दी गई है, काफ़ी अच्छी खासी सीट मिल जाती है। ESP आपको यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे CNG टू फ्यूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब पेट्रोल के अंदर। अंदर बैठता हूँ इस गाड़ी के अंदर। तो भाई सबसे पहले इस गाड़ी का हम जो है स्टेयरिंग सीधा करते हैं, क्योंकि भाई स्टेयरिंग जो है उल्टा हो रहा है। हाँ, तो स्टेयरिंग हो गया सीधा, अभी बंद करता हूँ। तो स्टेयरिंग व्हील आपको टिल्ट मिल रहा है, टेलीस्कोपिक आपको ना यहाँ पे नहीं रहने वाला। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको नहीं मिलते। बाकी ये क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो फुली डिजिटल आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में सबसे बढ़िया मिलता है। यहाँ पे आपको स्पीड मीटर, यहाँ पे RPM मीटर, बीच में MID, डिस्टेंस टू MT, TPA सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। बाकी TPMS भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि हाईलैंड रहने वाला है। 8 इंच का डिस्प्ले मिलता है, 4 स्पीकर के साथ में, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेसली आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी सेट एंड सिल्वर, और यहाँ पे AC वेंट्स जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। ऑटोमेटिक AC, टाइप सी पोर्ट, 12 वाट का आउटपुट, पोर्ट, ठीक है। स्पेस 5.9 गियर बॉक्स, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग, 2 कप होल्डर की स्पेस, यहाँ पे स्पेस। बाकी फायर एक्सटिंग्विशर आपको कोडा सीट के नीचे मिलने वाला, जो कि ये है। बाकी ये गाड़ी और गाड़ियों की रखे तो उस पर ध्यान मत देना। अच्छा खासा है यहाँ पे आपको भाई कंफर्ट मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, कूल नहीं ये रहने वाला है। और ये जो कंपार्टमेंट दे रखा है ना, मतलब ये स्टोरेज की जो अलग स्पेस दे रखी है, वो काफ़ी बढ़िया। अपना कोई फ़ोन वोन रखो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ना ही कोई बाहर गिरेगा, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। कोडा साइड वेंटीमीटर आपको दिया गया, IRE आपको डे नाइट मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। बाकी डैशबोर्ड आपको जो कोई वेंटीमीटर का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको टिकट होल्डर दिया गया है, ठीक है। सनरूफ आपको मिल जाती है, जो कि भाई ये रहने वाली है। तो भाई ये तो बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में। डैशबोर्ड की बात करूँ, डुअल टोन आपको डैशबोर्ड मिल रहा है, बाकी और कुछ भी डुअल टोन नहीं मिल रहा। तो डैशबोर्ड काफ़ी बढ़िया है, बट ये ट्रिम अगर कुछ और कलर के अंदर होती तो बढ़िया लगती। खैर, जो भी दिया होगा कंपनी सोच समझ के दिया होगा। अब जो इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो 6 एयरबैग्स, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, और व्हीकल सेफ्टी मैनेजमेंट जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं बेस वेरियंट से। बाकी वारंटी की बात करूँ, 3 साल 1,00,000 किलोमीटर्स की वारंटी ऑफर करती है हुंडई इस गाड़ी के साथ में। अब जो इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, आपको जो है 1.2 लीटर का कापा सीरीज का इंजन मिलता है इस गाड़ी के अंदर, जिसकी पावर की अगर मैं बात करूँ तो CNG के अंदर 68 BHP पावर प्रोड्यूस करता है, और 95 Nm का टॉर्क। माइलेज कंपनी 27 किलोमीटर पर KG का जो क्लेम करती है, बाकी डिपेंड करता है कि आप जो किस गाड़ी चलाते हैं, आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। बाकी पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रोल CNG वेरिएंट की नहीं। तो पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी 83 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि काफ़ी बढ़िया जो है, मतलब वहाँ भी अच्छा खासा पावर प्रोड्यूस करती है।
बैटरी अपने यहाँ पे रहने वाली है। ऊपर आपको इंसुलेशन नहीं मिलती क्योंकि भाई फोर सिलेंडर इंजन है, तो कंपनी ने सोचा कि क्या ही देना, क्योंकि काफ़ी स्मूथ इंजन आपको मिलता है। 1.2 कापर सीरीज का इंजन आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये थी आपकी हुंडई एक्स्ट्रा SX CNG वेरिएंट। कमेंट जरूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।